आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने हाउ टू प्रेशराइज दिस एक्सपेंशन टैंक, तो इसको प्रेशराइज कैसे करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टैंक को टेस्ट कैसे करते हैं कि ये टैंक काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो आपको इसको विजुअल चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर किसी किस्म का वो तो नहीं है, कोई होल या कुछ नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, रस्ट नज़र आ रहा है, रस्ट के मार्क, तो मुझे ये कन्फर्म करना है कि ये रस्ट, यहाँ होल तो कोई नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको चेक करूँगा कि यहाँ पे कोई ये सिर्फ रस्ट ही है या कुछ और है, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इसको पेंट कर दूँगा ताकि ये आए कुछ ना हो। अब मुझे एक और चीज़ चेक करने के लिए है, वो मुझे ये चीज़ चेक करनी है, ये देख रहे होंगे। इसको चेक करने का तरीका, इस टैंक को चेक करने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप टायर को चेक करते हैं। तो इसको आप पूरा का पूरा उठा के टैंक, पानी के टैंक में डाल दें, इसमें कहीं लीकेज है, बबल आएगी। लेकिन अगर नहीं आती तो मैं आपको अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, वो ये रहा। इसके अंदर आप जो है पानी डालें यहाँ पे, और आप ये देखेंगे कि इसमें से किसी किस्म की कोई बबल इसके अंदर से नहीं निकल रहा। इसके बाद आप इसको पलटें, इसके बाद इसके अंदर एक सिर्फ दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ है। मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं, ये सोपी वाटर है, मैं इसमें डालूंगा पानी। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, ये करता हूँ तो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी के बबल्स नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपको पता चल गया कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं है। आमतौर पर अगर इसके अंदर कोई लीकेज है तो आमतौर पर यहाँ होती है इस हिस्से में। तो इसके लिए आपके पास ये वाल होते हैं छोटे छोटे से, ये रहे वाल, ये जो है ये मार्केट में मिल जाते हैं आपको। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसके अंदर इसको खोल के यहाँ से इसको आप इसको खोलेंगे यहाँ से, और ये आप कर देंगे। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ कि इसके अंदर एयर है तो आपको आवाज़ आएगी। ये एक तरीका है इसको चेक करने का। शुक्रिया।